सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग तो चल नहीं रहा है, और आज हम बना रहे हैं हक्का नूडल्स। नूडल्स उबाल लिया है हमने और यहाँ पे वेजिटेबल्स कट किया है। ये गाजर, ये है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और मसाले यहाँ पर हैं। धीरे धीरे करके सब बना। तो अभी सारे वेजिटेबल्स कट हो गए हैं और ये लोहे की कढ़ाई है, उसमें तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पे अपना हक्का नूडल्स है। तो अभी कढ़ाई गर्म हो गया, पहले हम डालेंगे पीसी हुई मिर्च, इसके बाद डालेंगे लहसुन, और अब डालेंगे कड़ी सब्जी, जो कड़ी है जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फिर ये हो गया कैप्सिकम, इसके अंदर प्याज और साथ ही साथ गाजर भी। टोटल चार वेजिटेबल्स मैंने डाला है, आप सब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया। और फिर जब ये थोड़ा सा आपको पका हुआ लगे तो इसमें आपको डालना है सोया सॉस और रेड चिली, टमाटो केचप एंड विनीगर। आप कितने लोग के लिए बना रहे हैं? मैं तो एक्चुअली अभी चार लोग के लिए बना रहा हूँ, सो मैं उस हिसाब से डालूंगा। हम डालने जा रहे हैं रेड चिली, टमाटो केचप, आपको ये सब हिसाब से ही डालना है ताकि टेस्ट खराब ना हो, और ढक्कन, जो एक ढक्कन विनीगर आपको बस डालना है, विनीगर बस एक ढक्कन डालना है। उसके बाद आपको इसको अच्छी तरीके से चलाना है जब तक इसमें से स्वाद ना आने लगे आपको। सबसे मेन चीज़ जो कि है हक्का नूडल्स, और ये देखो कैसे अच्छी तरीके से खिल के आ रहा है, मतलब चिपक नहीं रहा है। ये इसको उठा के आप थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है ताकि ये चिपके ना। इसमें डालना है ब्लैक पेपर, कूटा हुआ नहीं तो पीसा हुआ जो, और उसके साथ सोया सॉस डालना है, वो आपको हिसाब से डालना है कि कितना आपका क्वान्टिटी में है नूडल्स। और उसके बाद उसको हम चलाएँगे स्वाद अनुसार नमक, अगर आपने डाल पा रहे हो तो अपने मम्मी को बुला के डाल लेना, ज़्यादा मत डालना बस। उसके बाद आपको इससे चलाना है ताकि ये, क्योंकि अगर आप पलटे से चलाएंगे तो ये टूट जाएगा, और अगर आपको टूटा हुआ खाना है तो आप पलटे से चलाइए, वरना आप चलाइए काटे के चम्मच से। कल करना है ये क्या, इसे प्याज का कुछ तो रहता है, मुझे नहीं पता है, किसी को पता है तो वो कॉमेंट में ज़रूर बताए। इसको अच्छे से ऊपर स्प्रिंग कर देना और ये बहुत ही अच्छा बन जाएगा, फिर आपको हम टेस्ट करके भी बताएंगे थोड़ी देर में।